पूनम ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर दो प्याजा। इसको हम दो स्टेप में बनाएंगे। पहले हम ग्रेवी तैयार कर लेंगे और फिर तड़का लगाएंगे। रखेंगे उसमें एक चम्मच तेल डाले हैं। अब तेल गर्म हो गया है, इसमें एक चम्मच जीरा और 8-10 काली मिर्च और छोटी इलायची डाल देंगे तेल में। ये तड़का लग चुका है, अब इसमें प्याज डालेंगे। ये मैंने 4 प्याज डाला है मीडियम साइज के, काट के। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच धनिया। एक चम्मच जीरा, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच और हल्दी 1 चम्मच। इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अच्छा, मसाला हमारा हो गया है, अब इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे 2 बारीक कटा। चार मीडियम साइज के टमाटर, अब इसको थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। 2 मिनट मैंने इसको पका लिया है। अब इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे, 1/2 कप पानी डालेंगे, हाई फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। हमारा तैयार हो चुका है, अब इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको जार में पीस लेंगे। जो मैंने ग्रेवी तैयार की थी उसको मैंने पीस लिया है। तड़का लगाएंगे, जिसके लिए 2 चम्मच तेल डालेंगे। तड़के के लिए मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिया है, जिसको मैंने ऐसे 4 भाग में काट के खोल लिया है। गर्म हो चुका है, इसको डाल देंगे। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, इसका कलर ब्राउन नहीं होने देना है। अब ये हो चुका है, अब इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब ये हो चुका है, अब इसमें ग्रेवी जो तैयार किए थे वो डाल देंगे। आप चाहे तो इसको पतली भी कर सकते हैं ग्रेवी, लेकिन मुझे गाढ़ी ही रखनी है तो इसलिए मैं गाढ़ी ही इसको बनाऊंगी। अब इसमें 400 ग्राम पनीर डाल दे रहे हैं, अच्छे से चला लेंगे। हमारा पनीर दो प्याजा तैयार है। अब इसमें मैंने डाल दिया है बारीक कटी हरी धनिया। अब इसको आप सर्व कर सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी ये पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़।